स पोस्ट तो आइए समझते हैं कि कितने अटैम्प्ट कैंडिडेट्स को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी एंड ऑल्सो किस तरह से अटैम्प्ट को काउंट किया जाता है तो अगर हम सबसे पहले देखें तो ये जो शीट है ये यूपीएससी की वेबसाइट से भी आप बोल सकते यहाँ पर अगर हम बात करें तो सॉल्व कर सकते हैं सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अवेलेबल कि जनरल ओबीसी एस सी एस टी डब्ल्यू एस सभी स्टूडेंट्स हैं इन्हें यूपीएससी कितने अटेम्प्ट देता है तो अगर हम बात करते हैं तो जनरल ई डब्ल्यू सेकंड अगर हम बात करें तो जनरल या फिर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं तो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली सिक्स अटेम्प्ट अगर हम एज लिमिट की बात करें तो कहीं ना कहीं फ्रॉम ट्वेंटी वन ईयर्स टू यू नो अपिल थर्टी टू ईर्स यू कैन गिव सो जनरल और ई डब्ल्यू एस के पास छह अटेम्प्ट होते हैं कमिंग टू एस सी एंड एस टी दैट इज शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स उन्हें अनलिमिटेड हैं मतलब वो अनलिमिटेड टाइम्स यहाँ पर अटैम्प्ट को दे सकते हैं ओबीसी दैट इज अदर बैकवर्ड क्लासेस यहाँ पर इनके पास नौ अटैम्प्ट होते हैं यू नो इफ यू कॉम अंडर नॉन क्रिमिलर करें पी डब्ल्यू बी डी की दैट इज यू नो डिसेबल्ड स्टूडेंट

यूपीएससी ने गाइडलाइंस दी हैं उनमें हम ये देखते हैं कि जो अटेम्प्ट है अटेम्प्टेम्स उसे हम कैसे काउंट करेंगे इफ अ कैंडिडेट एक्चुअली अपीयर्स इन एनी वन पेपर इन द प्रीलिम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन दैट इज प्रीलिम्स के अंदर दो तरीके पेपर होते हैं एक होता है आपका जनरल स्टडीज एंड एक होता है आपका सी सैट एक ही दिन होते हैं ये एग्जाम अगर इन दोनों एग्जाम में से किसी भी एक एग्जाम में अगर कैंडिडेट अपियर हो गया चाहे वो जीएस का हो या सी सेट का हो मतलब वो अटेम्प्ट माना जाएगा दैट इज यू नो व्हेन यू अपियर इन एनी वन पेपर इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देन वी हैव सेकंड पार्ट सेकंड इसका और क्या फैक्टर है कि अगर आप एग्जाम सेंटर पे अपियर हो गए हैं टिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल या फिर आपके अपियर होने के बाद भी अगर कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन या किसी भी तरह की अगर इश्यूज जनरेट होते हैं लाइक ट्रेडिंग करते हुए पकड़ेगा या फिर यू हैव इनकम्पलीट डॉक्यूमेंट या फिर आधार कार्ड में कुछ कमी इस तरह से बायोमेट्रिक्स फेल होना तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका अपियरेंस तो है बट आप यहाँ पर आपका जो कैंडिडेटर है वो डिसक्वालीफाइड या फिर बोल सकते हैं कैंसल हो चुका है राइट सो दैट इज दैट विल बी अगेन काउंटेड एज यू नो एन अटेम्प्ट आप अपियर है बट आपका कैंडिडेटर कैंसिल है बिकॉज ऑफ सम चैलेंज और इश्यू तो भी आपका अटेम्प्ट माना जाएगा द इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इज क्या सिर्फ फॉर्म भरने से हमारा अटेम्प्ट माना जाता है नहीं माना जाता बट यूपीएससी ट्रैक्स ऑल द डेटा एंड इट कीप्स यू नो रिकॉर्ड फॉर द फ्यूचर रेफरेंस तो यहां पर सिर्फ फॉर्म भरने से आपका अटेम्प्ट नहीं काउंट होता है अगर आप प्रिल्स के अंदर किसी भी एक पेपर में वहां पर मौजूद हैं आपने दिया है पेपर तो अटेम्प्ट होगा आपके अपियर होने के बाद अगर कोई भी इश्यू होते हैं तो आपके कैंस कैंडिडेटर की कैंसिलेशन की वजह से भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका अटेम्प्ट पर काउंट किया जाएगा नाउ कम से इम्पॉर्टेंट पार्ट की कैस्पिरेंट हमें कैसे पता चले कि हमारा कितने अटेम्प्ट काउंट हुए हैं इसके लिए तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूपीएससी कहती है कि आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ध्यान रखें कि आपके कितने अटेम्प्ट हो चुके हैं राइट right? इसके अलावा और भी जो एफ है, है क्या एक्शन लेती है कमेटी अगर कोई भी डिस्पेंसरीज हो तो ये तो सारे यू नो टर्म्स एंड कंडीशनसी विध ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जनरेट करती रहती है सो दैट वॉज जस्ट अबाउट यूपीएससी ठीक है किस तरह से यूपीएससी अटेम्प्ट देती है कैंडिडेट्स को अकॉर्डिंग टू कैटेगरी एंड ऑल्सो हाउ अटेम आर काउंटेड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग